कल हमने ऑनलाइन पिक्चर लेना बता दिया था, आ गया सभी को ऑनलाइन पिक्चर लेना आ गया। ठीक है, पिक्चर लेने के बाद फॉर्मेटिंग दोनों की सेम ही होती है। ठीक है, अगर ऑनलाइन पिक्चर जैसे कि नहीं आती, यहाँ पर अभी दो ऑप्शन आ रहे हैं, कभी कभी तीन भी आते हैं, जैसे कि बीइंग इमेज सर्च यानी ऑनलाइन, बन ड्राइव यानी आपको बन ड्राइव पर्सनल से लेना है, और एक और ऑप्शन रहता है फ्रॉम अ फाइल या फिर फ्रॉम अ कंप्यूटर, इसका मतलब रहता है ऑफलाइन यानी अपन को कंप्यूटर के अंदर से लेनी है, ये पिक्चर वाले से लेनी है। ठीक है, अब इसके बाद अगला है इलस्ट्रेशन ग्रुप में शेप्स। शेप्स के ड्रॉप डाउन एरो पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर अलग अलग टाइप के शेप मिल जाएंगे। अब आपको जैसे भी यहाँ से शेप लेनी है आप ले सकते हैं, जैसे कि रिसेंटली यूज्ड शेप, जो कुछ टाइम पहले यूज किए गए होंगे किसी ने भी यहाँ पर। ठीक है, लाइंस, जैसे कि आपको कोई डायरेक्शन बताना, जैसे कि आपने यहाँ पर मान लीजिए कोई इमेज ली हुई है, ठीक है, उसमें आपको, या फिर कोई स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उसमें आपको कुछ डायरेक्शन बताना है, जैसे कि इस तरह से हमें इस तरह से दिखाना है कि ये कोई चीज है, और यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इधर पर कि जैसे कि ये रिबन बार होती है, ये टाइटल बार होती है, तो आप इस तरह से एरो बनाकर और लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको जहाँ पर भी जैसा यूज हो, फिर इसके बाद रेक्टेंगल, इस तरह का कोई शेप बनाना है तो हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, फिर इसके बाद आप जहाँ पर भी ड्रॉ करना चाहते हो उस जगह को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से आपके सामने शेप आ जाएगा। अब इस शेप में को जैसे ही आप कोई शेप लेते हैं तो यहाँ पर जैसे पिक्चर का फॉर्मेट टूल बढ़ जाता है, इसी तरह से यहाँ पर कोई भी आप शेप लेते हैं तो उसका भी फॉर्मेट टूल बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे अपन पिक्चर की फॉर्मेटिंग करते हैं, इसी तरह से अपन इसकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब शेप आप किस तरह के ले सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग टाइप के यहाँ पर ग्रुप बने हैं। रेक्टेंगल्स, यहाँ पर आपको रेक्टेंगल्स वाले शेप मिलेंगे, बेसिक शेप्स जो नॉर्मल शेप्स हैं, जैसे कि आपको स्माइली बनाना है या फिर कोई और शेप बनाना है, ट्राइंगल बनाना है, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, ये देखिए माउस पॉइंटर चेंज हो गया, अब आप इस तरह से इसको ड्रैग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगला है, यहाँ पर ब्लॉक एरोस, कोई आपको डायरेक्शन बताना है एरो वगैरह के माध्यम से, तो आप डायरेक्शन वाले जो शेप है वो ले सकते हैं। इक्वेशन शेप्स, फ्लो चार्ट शेप, यहाँ से आपको जैसा भी शेप लेना है ले सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन क्या है फॉर्मेट का, फॉर्मेट पर हम जाएंगे। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन, जब आप फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे कब आएगा ये, जब आप कोई शेप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, अगर आपने शेप हटा दिया है यहाँ से, जैसे कि शेप सिलेक्ट नहीं है, बाहर कहीं क्लिक है, तो ये देखिए फॉर्मेट वाला नहीं आ रहा, जब आप यहाँ से शेप सिलेक्ट करोगे तभी आएगा ये वाला ऑप्शन। इसके बाद हम फॉर्मेट पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर शेप, और अगर जैसे कि आपको एक कोई शेप और यहाँ पर ड्रॉ करना है तो यहाँ पर शेप का ऑप्शन दिया है, आप यहीं के यहीं ड्रॉ कर सकते हैं फॉर्मेट से। जो ऑप्शन ये है शेप वाला, फॉर्मेट में ये वाला ऑप्शन भी वही है, सेम ऑप्शन है। जैसे कि आपको एक शेप और ड्रॉ करना है, कोई सा भी शेप बनाना है, जैसे कि हमें ये वाला शेप चाहिए तो हम ये वाला शेप ले सकते हैं। ठीक है, इन शेप को जैसे कि अपन पिक्चर को बड़ी और छोटी कर सकते हैं, इस तरह से साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाओगे, शेप्स को भी आप बड़ा और छोटा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब शेप्स का यूज क्या होगा, अलग अलग जगहों पर अलग अलग यूज होगा, आप जहां पर भी आपको, और इन शेप्स में ऐसा रहता है कि आप कुछ लिख भी सकते हो सभी में, जैसे कि हमें इसमें कुछ लिखना है लिख सकते हो, सभी शेप्स में आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अपन फिर इस शेप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप और शेप ले सकते हो। इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, इस पर अपन साइड में ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक अगला ऑप्शन आएंगे, चेंज शेप। यहाँ से क्या ले सकते हैं अपन, एक नया शेप ले सकते हैं, और चेंज शेप से अपन क्या कर सकते हैं, कोई पहले से शेप है उसको ही अपन को चेंज करना है। जैसे कि थोड़ा सा हम आगे बता देते हैं, फिर इसके बाद ये वाला बताएंगे। आपने यहाँ से ये जो ड्रॉप डाउन एरो है इस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से शेप का जो है कलर चेंज कर लिया, इसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग आपने यहाँ से चेंज कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद आप इस शेप को चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाए, मतलब आप चाहते हैं इसके अंदर जो लिखा हुआ है, इसमें जो फॉर्मेटिंग है वो सब वैसी ही रहे, बस शेप दूसरा आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चेंज शेप पर जाएंगे और यहाँ से हम शेप चेंज कर देंगे, जैसे कि हमें ये वाला चाहिए, क्लिक कर देंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वो वैसा का वैसा लिखा है, बस शेप चेंज हो गया। ठीक है, और यदि हम यहाँ से कोई शेप लेते हैं तो क्या होता है, प्लस का साइन बन जाता है, हमें एक और शेप
ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब उससे ड्रॉ होता है, नया शेप आता है, और यहाँ से चेंज शेप से क्या होता है, आप उसी शेप को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगला है एडिट पॉइंट। एडिट पॉइंट से क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर तो आपके पास कुछ शेप दिए गए हैं, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग कोई शेप बनाना चाहते हो, तो हम एडिट पॉइंट पर जाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे आपका जो शेप है, इन शेप्स को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि अगर ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी शेप अंदर से सिलेक्ट है। यदि पूरा शेप सिलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, ये साइड में जो लाइन दिख रही है, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब क्या हो गया, शेप सिलेक्ट हो गया, हम इसको उठाकर कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है, एडिट पॉइंट्स, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी शेप के चारों तरफ एक रेड कलर की लाइन आ रही है, और वहां पर इस तरह से डॉट आ रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इस शेप को बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से एडिट पॉइंट से इसके पॉइंट्स जो है वो एडिट कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। कुछ अलग टाइप से आपको इसको बनाना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। आ गया समझ, ठीक है। अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है रिस्टोर कनेक्शन, ये ऑप्शन हाईलाइट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन है ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। ये कोई शेप नहीं होता, ये होता है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। होता तो एक तरह से शेप ही है, लेकिन इसे टेक्स्ट बॉक्स बोला जाता है। टेक्स्ट बॉक्स का काम क्या होता है, ये दोनों एक ही चीज है। इसका काम होता है जैसे कि आप कोई टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करोगे यहाँ से, ठीक है, और हम यहाँ से इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स नॉर्मल आता है, जैसे कि शेप लेते हैं तो वो कैसा आता है, कलर में आता है। टेक्स्ट बॉक्स हमेशा एक चौकोर इस तरह से बॉक्स आता है, और उसमें कोई भी कलर नहीं रहता, और आप उसको इस तरह से उसमें कुछ भी लिख सकते हो। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी आप इतना समझ लीजिए, टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से चौकोर बॉक्स में आता है, और इस तरह से आप उसमें कुछ लिख सकते हैं। आपने देखा होगा आपकी बुक्स में कुछ बॉक्स रहते हैं, उनके अंदर कुछ मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज रहती है वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखी रहती है, तो ये इसके माध्यम से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ठीक है, अगला ऑप्शन यहाँ पर, ये सभी अपन पढ़ चुके हैं, कर लोगे आप सभी, ठीक है। क्विक स्टाइल से यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, शेप के अंदर का, यहाँ तो कुछ स्टाइल्स दी गई हुए हैं, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कोई कलर लेना चाहते हैं। अगर नो फिल कर देंगे तो उसके अंदर का कलर हट जाएगा, ठीक है। मोर फिल कलर से आप और कलर ले सकते हैं। यदि आप टेक्स्ट के, ये जो हमारा यहाँ पर हमने क्या लिया, शेप, शेप के अंदर कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से पिक्चर लगा सकते हैं। ऑफलाइन पिक्चर लेनी है तो ऑफलाइन लगा सकते हैं, ऑनलाइन लेनी है तो आप ऑनलाइन लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आ जाएगी, ठीक है, कलर की जगह पर पिक्चर आ जाएगी। अब इसके बाद ग्रेडियंट कलर लेने हैं, तो ग्रेडियंट कलर लेना अभी अभी नहीं बताया था, हम ग्रेडियंट बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने इसमें कलर लिया है रेड, ठीक है। तो अब इतना तो आप पिक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि जब आप ग्रेडियंट कलर मतलब कोई सा भी कलर लेते हैं, तो ग्रेडियंट कलर में उसके अकॉर्डिंग कलर आ जाते हैं। ग्रेडियंट मतलब एक से ज्यादा कलर जिसमें होते हैं उसे हम ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरह का आ गया, एक ब्लैक के साथ आ गया रेड, और एक व्हाइट के साथ आ गया रेड, ठीक है। अब अगर आप और भी कलर्स में ऐड करना चाहते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, मोर ग्रेडियंट पर, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आपको इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है नो फिल। नो फिल मतलब हमें इसमें कुछ भी नहीं रखना, ना कलर, ना पिक्चर, ना कुछ और, सॉलिड फिल। इससे सिर्फ आप एक कलर ले सकते हो, यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। दूसरा अगला है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी से क्या होता है, कलर को आप लाइट कर सकते हैं, यदि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओगे तो कलर लाइट हो जाएगा, और इस साइड करोगे तो कलर डार्क होगा, ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। अब इसके बाद अगला क्या है, ग्रेडियंट फिल। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है प्रीसेट ग्रेडियंट, यानी इनमें से आपको कोई ग्रेडियंट लेना है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, इनमें से कुछ लेना है। इसके बाद अगला है टाइप। टाइप में हम आपको ये थोड़ा सा अपन यहाँ से कर लें, फिर इसके बाद हम ये वाला ऑप्शन बताएंगे। डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पर भी आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, आपको इस तरह से दिखाना है। ये जो दो कलर है, एक ब्लैक टाइप का, एक व्हाइट टाइप का, इसमें भी हम कलर ले लेते हैं। जैसे कि हमें इसमें ये वाले कलर नहीं चाहिए, हमें कलर चेंज करने, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेडियंट स्टॉप, इस पे अपन पहला वाला जो कलर है इस पर अपन क्लिक करेंगे। नीचे कलर से कलर लिखा हुआ है, इसके नीचे कलर कौन सा सिलेक्ट है, ग्रे कलर सिलेक्ट है, हम कलर
यहाँ से चेंज कर देते हैं। ये देखो यहाँ पर चेंज हो गया। अब हम यहाँ पर ये जो दूसरा स्टॉप बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जाकर हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज हो गया। और फिर इसके बाद ये थर्ड स्टॉप बना है, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर भी आपको जो भी कलर लेना है कलर चेंज कर दिया। अगर आपको कलर इसमें बढ़ाने हैं तो फिर हम यहाँ से बीच में कहीं पर भी क्लिक करेंगे। यहाँ से देखिए स्टॉप बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आप जितने चाहो उतने बढ़ा सकते हैं, या तो आप यहाँ पर ये जो प्लस का साइन बना हुआ है इससे बढ़ा सकते हैं, और ये जो क्लोज का साइन बना हुआ है ना क्रॉस का, इससे आप इसको डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप क्लिक करोगे तो भी बढ़ जाएंगे। आप जितने ज्यादा कलर लेना चाहते हो यहाँ पर उतने ज्यादा कलर ले सकते हो। कलर लेना सभी को आता है, ले लेंगे, इतना कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर अगला है पोजिशन। पोजिशन आपको जैसे कि कलर कौन सा सिलेक्ट है हमारा, ब्लू, यहाँ से ब्लू कलर पर क्लिक है। यहाँ से अगर आपको कलर की पोजीशन चेंज करनी है तो देखो पोजीशन चेंज हो रही है। अब इसके बाद यहाँ से ट्रांसपेरेंसी यानी इसकी इसको लाइट करना है, डार्क करना है कलर को, आप वो कर सकते हैं यहाँ से जो सिलेक्ट है। और ब्राइटनेस आपको बढ़ानी है कम करनी है, ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा ये है टाइप। टाइप में आप सिलेक्ट करोगे, जैसे कि हमने सिलेक्ट करा अभी लाइनर सिलेक्ट है, हम यहाँ से लीनियर क्या है रेडियल सेलेक्ट करते हैं। रेडियल सेलेक्ट करेंगे तो कैसा आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ से ये रेक्टेंगुलर में भी देखिए डायरेक्शन आ गया, हमने यहाँ से क्या सिलेक्ट किया रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर यानी क्या होता है, रेक्टेंगल यानी होता है एक चौकोर बॉक्स, ठीक है। अब आपको किस तरह से चाहिए, जैसे बीच में चाहिए चौकोर बॉक्स, साइड में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम अगला सेलेक्ट करते हैं पाथ। पाथ सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से जाएगा। अब इसका भी आपको डायरेक्शन इसका आप चेंज नहीं कर सकते यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा। लाइनर करेंगे, आ रहा है ऑप्शन, लाइनर भी किस तरह से चाहिए आप यहाँ से लाइनर का डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आ गया, कर लोगे। अब आपको एंगल चेंज करना है तो आप यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, खिसका सकते हो। आ गया समझ में। अगर आपको कोई कलर डिलीट करना है, जैसे हमें ये ब्लैक कलर अच्छा नहीं लग रहा है, डिलीट करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रॉस वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएंगे, जितनी स्टॉप आपको हटाने हैं देखिए सब हट गए। ऐड करना तो या तो आप इस पर क्लिक करो, ठीक है, या फिर आप यहीं पर जाकर क्लिक कर सकते हो, जो जिसमें भी आपको जो भी कलर लेना है आप यहाँ से जाकर सेलेक्ट कर सकते हो वो कलर। जैसे कि हमने रेड ले लिया, इसमें यहाँ पर इस तरह से आ गया समझ में। अब इसके बाद इसमें ग्रेडियंट फिल हो गया। अब इसके बाद है अगला पिक्चर एंड टेक्सचर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो पिक्चर वाला ऑप्शन अपन ऊपर पढ़ चुके हैं, यानी अगर आपको इसमें पिक्चर लगानी है तो आप यहाँ से फाइल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फाइल पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर के ऑप्शन आ जाएंगे, पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पिक्चर आ जाएगी इसके अंदर। अगला इसमें क्लिप बोर्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने टेक्सचर आ जाएंगे, ठीक है। टेक्सचर क्या होते हैं, पहले से ही इसमें शेप रहती है, एमएस वर्ड में एक्सेल में पहले से ही शेप टेक्सचर्स रहते हैं। इनमें से अगर आपको कोई टेक्सचर लगाना है तो आप यहाँ से एक तरह से बोल सकते हैं थीम रहती है, ठीक है। तो इनमें से अगर आपको कोई टेक्सचर लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। टेक्सचर के ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ से टेक्सचर की ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करनी है, या फिर यहाँ से ये ऑप्शन आप कम ज़्यादा करके देख लेना, ठीक है, खिसकाने के लिए। तो ये ऑप्शन आप सभी करके देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर लगानी है इसमें, तो आप ऑनलाइन का ऑप्शन जाएगा, ठीक है। इतने में कुछ डाउट है। इसके बाद यहाँ पर पैटर्न फिल, पैटर्न फिल ये पहले से आप जो भी कलर सेलेक्ट करोगे, जैसे कलर अभी यहाँ पर क्या सिलेक्ट है रेड, हम कलर चेंज कर देते हैं तो चेंज हो गया। अब आपको इनमें से कोई पैटर्न इसमें यूज करना है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये दो कलर आ रहा है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। फोरग्राउंड यानी कि अभी फोरग्राउंड में कैसा कलर है, ग्रीन, और इसमें व्हाइट। अगर आप इसका भी जैसे हमने इसको कर दिया रेड, तो यहाँ पर दो कलर आएंगे, एक रेड और एक ग्रीन, ठीक है। अब इनमें से रेड थोड़ा सा ज्यादा हो गया, अपन चेंज कर लेते हैं, जो भी आपको लगाना है आप यहाँ से लगा सकते हैं। आ गए समझ में, कर लेंगे। तो ये सभी ऑप्शन इसमें रहते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है लाइन का, ये अपन आगे पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ये टेक्सचर, या आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे, यदि आपको वहाँ से नहीं लेने तो आप यहाँ से ले सकते हैं। पहले से डिफाइंड रहते हैं, हमेशा आपको ऐसे ही मिलेंगे, अपन को अलग से कहीं से लेकर नहीं आने पड़ते हैं। अब इसके बाद ये लाइन का ऑप्शन है जो अपन है उसमें पढ़ चुके हैं पिक्चर में, तो आप करके देख लेना, यदि नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है। नो आउटलाइन, हट जाएगी आउटलाइन। इसके बाद वेट, आउटलाइन मोटी करनी है, डैसेस वाली आउटलाइन चाहिए। इसके अलावा एरो वाली, ये वाला ऑप्शन हर एक शेप में नहीं आएगा, ऐसे शेप में आएगा जिसमें जैसे कि इसमें क्या है, स्माइली बनी हुई है। हम यहाँ से सेलेक्ट करके दिखाते हैं, एरोस पे जा रहे हैं,
यहाँ पर बीच में एक एरो बना हुआ है। और हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, जैसे कि येलो कलर। और यहाँ पर अपन जाएंगे, ये जो एरो बना रहता है बीच में, वो स्माइली वाला अभी इसमें शायद हट गया है या पीछे चला गया होगा, तो उसमें ही आएंगे। जैसे कि अपन ये वाला शेप सेलेक्ट कर रहे हैं पीछे वाला, या फिर अपन दूसरा शेप ऐड कर लेते हैं। ऐड शेप पर जाएंगे और यहाँ से ऐड कर लेते हैं। इसमें आप देखेंगे कि ये वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, ऐसी जगह पर हाईलाइट होगा जहाँ पर दो, मतलब दो जगह कोने होंगे उस जगह पर हाईलाइट होगा ये वाला, ठीक है। तो एरो का आप डायरेक्शन किस तरह से रखना चाहते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो अपन ने पिक्चर में पढ़े थे रोटेशन, 3D रोटेशन, बीवल वाले ऑप्शन, ये सभी वही ऑप्शन है, आप करके देख लेना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ ये तो हो गया शेप स्टाइल्स, अब इसके बाद ये क्या है, बर्ड आर्ट स्टाइल। तो अभी अपन ये वाला ऑप्शन क्यों आ रहा है, टेक्स्ट का के लिए ऑप्शन है ये वाला। ये वाला ऑप्शन टेक्स्ट के लिए है, टेक्स्ट के लिए मतलब कि अपन, आप सभी को पता है अपन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ लिख सकते हैं इसके अंदर। तो यदि आपको जैसे इसके अंदर जो टेक्स्ट है, देखिए ऑप्शन हाईलाइट हो गए, तो इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है उसकी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ये वाला टेक्स्ट ले लिया, अब इसके बाद टेक्स्ट का आपको कलर चेंज करना है, टेक्स्ट में कोई ग्रेडियंट कलर देना है, वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से टेक्स्ट की आउटलाइन आपको कलर वगैरह करना है, टेक्स्ट की आउटलाइन में कोई सा या फिर चेंज करना है, कर लोगे या फिर आप डीपली बता दें क्या वो कर लिया, बता दिया था, कर लिया था सभी ने, आ गया सभी को कहाँ तक, तो फिर आपको बताना चाहिए ना कहाँ तक आ गया पूरा। ठीक है, हम आगे बता देते हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, आप सभी कर लोगे। अगर आपको करने में दिक्कत आए पहले आप करके देख लो, ठीक है। यदि नहीं आएगा तो फिर हम आपको डबल से बता देंगे। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपन ये वाली फॉर्मेटिंग कर चुके हैं, जैसी पिक्चर में वैसी शेप्स में है, ठीक है। इसलिए इसके बाद यहाँ से आप टेक्स्ट के लिए, ये वाले ऑप्शन किसके लिए, टेक्स्ट के लिए, कौन सा टेक्स्ट जो अपन इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। और ये वाले ऑप्शन किसके लिए हैं, इस शेप्स के लिए, जो भी शेप सिलेक्ट होगा उस शेप के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ से अगला ऑप्शन क्या है, टेक्स्ट के लिए, ठीक है। टेक्स्ट में आपको शेडो देना है, मोर शेडो ऑप्शन अपन ने पढ़ा है पिक्चर में, वहां से आप जैसा उसमें था वैसे ही आपको यहाँ पर मिलेगा। रिफ्लेक्शन देना है, ठीक है। टेक्स्ट में ग्लो देना है, बीबल देना है, 3D रोटेशन, ये सेम है ऑप्शन, बस यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा ABC ट्रांसफॉर्म। यहाँ से आप आपके टेक्स्ट को इस तरह से रोटेट करके दिखाना चाहते हैं, अलग टाइप में दिखाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इस तरह से दिखाना है ये, देखिए, ठीक है। तो यहाँ से आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम नीचे अलग अलग दिए गए हैं, जैसा भी आपको लेना है, यहाँ पर प्रीव्यू दिखाएगा तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर नॉर्मल करनी है तो क्या करेंगे हम, ये फर्स्ट वाला जो लिखा हुआ है नो ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर जाकर क्लिक कर देंगे, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, इतने में किसी को कोई डाउट है कर लेंगे आप, एक बार करके देखना, यदि नहीं आए तो पूछ लेना। इसके बाद अगला है टेक्स्ट डायरेक्शन, ये भी नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे पढ़ा करो आप, क्या लिखा है, टेक्स्ट, यानी ये टेक्स्ट के लिए है, ठीक है। तो टेक्स्ट का डायरेक्शन आपको चेंज करना, अभी हॉरिजेंटल सेलेक्ट है, रोटेट 90 डिग्री, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो 90 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा। इसके अलावा रोटेट 270 डिग्री करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल करना तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, नॉर्मल हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, तो यहाँ से आप इस तरह से प्रीव्यू दिखाएगा, जैसा भी आपको करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, वही ऑप्शन है ओरिएंटेशन वाले, ठीक है। इसके बाद अलाइन टेक्स्ट टॉप मिडिल बॉटम, ठीक है। जो हमारा बॉक्स, ये जो है टेक्स्ट बॉक्स है या फिर आप बोल सकते हैं शेप है, तो उसमें आपको बॉटम में रखना है टेक्स्ट, मिडिल में रखना है, टॉप में रखना है। इसके लिए इसके बाद है क्रिएट लिंक, क्रिएट लिंक का ऑप्शन जो है ये आपको पिक्चर में नहीं मिलता है, ये शेप्स में ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसका यूज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से हम क्रिएट लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये पहले जैसे कि आपके पास स्टार्टिंग में कोई सा भी शेप हो, आपके पास यहाँ से स्टार हो या फिर कोई सा भी शेप हो, किसी भी तरह का शेप हो, उस सब में जैसे कि हमने यहाँ से ये वाला ट्राइंगल लिया, ठीक है। इसके अंदर हमने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है।
जैसे एक टेक्स्ट बॉक्स ये या फिर शेप फुल होता है, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट अपन लिख रहे हैं लिखा तो रहा है, लेकिन वो छोटा है इसलिए दिख नहीं रहा। आप क्या करोगे, इसको बड़ा करके देखो। ठीक है, अब दिखने लगा, लेकिन फिर भी आप कब तक बड़ा करोगे? आप अब दूसरा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ करोगे, यहाँ से अगर दूसरा शेप ले लोगे, ये वाली चीज शेप्स में अप्लाई नहीं होती, आपको टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करा, ठीक है, जितना भी बड़ा लेना है छोटा लेना है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स में या फिर इस शेप में हम जो भी लिखे, जैसे ये यहाँ पर हमारा टेक्स्ट एंड हो, आगे का टेक्स्ट अगले टेक्स्ट बॉक्स में पहुंच रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस वाले जो शेप है इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्रिएट लिंक पर जाएंगे, यहाँ पर देखिए माउस पॉइंटर चेंज हो गया है, अब हम यहाँ पर जाकर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब कुछ भी अभी आपको समझ में नहीं आया, अब हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, ऑटोमेटिक ही अगले उसमें चला जाएगा। अब अपन ये वाली चीज एक बार और देखते हैं। इंसर्ट पर जा रहे हैं, यहाँ से हम कोई शेप या फिर आप टेक्स्ट बॉक्स जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। पहला पहला वाला कुछ भी हो सकता है, शेप भी हो सकता है, टेक्स्ट बॉक्स भी हो सकता है, जो आपको लेना है वो ले सकते हैं, और किसी भी टाइप का शेप हो सकता है। लेकिन जो आप दूसरा लेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर नॉर्मली ले लेते हैं अपन, जैसे कि यही वाला लिया है, ठीक है, इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम एक और ले लेते हैं यहाँ से, वही का वही एक और चौकोर बॉक्स ले लिया है हमने, और एक यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है, इसको अपन नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है, हम चाहते हैं पहला जो हमारा जो भी हम लिखना स्टार्ट करेंगे इसमें आना चाहिए, फिर इसमें आना चाहिए, फिर इसके बाद इसमें आना चाहिए, इस तरह से अपन चाहते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट लिंक का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ लिखा नहीं है। आप जैसे ही इसमें कुछ लिखना स्टार्ट करेंगे, ये देखिए ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम चाहते हैं, हम यहाँ पर कुछ हमने लिख लिया है, ठीक है, लिखा रहा है लेकिन वो हमें शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी हमने एक्स्ट्रा लिखा है इसमें आ जाए या फिर इसमें आ जाए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहला जो टेक्स्ट बॉक्स है इस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम इसको लिंक करना चाहते हैं। लिंक मतलब क्या होता है, जोड़ना, हम इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, हम यहाँ से क्रिएट लिंक पर क्लिक करेंगे, माउस पॉइंटर चेंज हो गया, अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये एरर देगा कि आप इसको नहीं कर सकते सिलेक्ट। ठीक है, अब हम इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, अब हम ये जो हमने इस ये कहाँ से किया था, टेक्स्ट बॉक्स से, अब हम इस पे जाके क्लिक कर देते हैं, देखो हो गया। तो हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि पहला वाला जिसको भी आप लिंक कर रहे हो, वो कुछ भी हो, किसी भी टाइप का शेप हो, उसको आप लिंक कर सकते हो, लेकिन जिससे लिंक कर रहे हो वो सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स ही होता है, टेक्स्ट बॉक्स से ही लिंक कर सकते हो। आप किसी, जैसे आपके पास कोई शेप है, भले ही आप उसको चौकोर बनाओ या फिर किसी भी शेप में बनाओ, वो शेप को यहाँ पर लिंक नहीं कर सकता। ठीक है, वो सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स को ही लिंक कर सकता है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स ये है, इस तरह से ये दिख रहा है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, और ये जो दिख रहा है ना, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है। अब आप बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे कि अब आप चाहते हैं जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स फुल हो यहाँ पर आ जाए, फिर हम एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, तीन है, हम चाहते हैं कि ये फुल हो इसमें आ जाए और ये फुल हो तो इसमें आ जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट लिंक पर क्लिक कर देंगे, इस पे क्लिक कर देंगे, फिर इसके बाद फिर से हम क्रिएट लिंक पे जाएंगे। अभी सिलेक्ट कौन सा है, ये वाला, तो हम इसको जाकर क्लिक कर देंगे। ठीक है, देखो क्रिएट लिंक पर क्लिक करके इस पे क्लिक कर दोगे तो क्या आ रहा है, ब्रेक लिंक। यदि आपको लिंक हटाना है तो आप क्या करोगे, ब्रेक लिंक, अभी क्लिक आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं कुछ, ऑटोमेटिक देखिए हमारा अपने उसमें आ गया। अब हम चाहते हैं इसको इससे लिंक करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्रिएट लिंक पर आप बाहर क्लिक करके फिर इस पर क्लिक कर लेना, क्रिएट लिंक पर जाएंगे और इसको सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो हमारा आगे का टेक्स्ट है वो अगले टेक्स्ट बॉक्स में चला जाएगा। इससे आप जितने चाहे अपने टेक्स्ट बॉक्स लिंक कर सकते हैं। यदि हम इसमें कोई कुछ भी हटाएंगे तो ये देखिए
ऑटोमेटिक, मतलब जैसे ही ये एंड होगा इसमें आ जाएगा, और जैसे ही ये एंड होगा इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इनको, इनकी लिंक हटाना है, तो क्या करेंगे, देखिए इन पर अभी क्या आ रहा है, ब्रेक लिंक, ब्रेक लिंक पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, और ये फिर से ब्रेक लिंक कर देंगे, अब ये हट जाएगा। अब आप कुछ भी लिखोगे, ये लिंक नहीं, ठीक है। करना है तो क्या करेंगे, पहले जिसको लिंक करना है उस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट लिंक पर जाएंगे और यहाँ पर जाकर क्लिक कर देंगे जिसको लिंक करना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स में अगर आप जैसे कलर करना चाहते हैं तो कलर कर सकते हैं, जैसे अपन उसमें करते हैं, ठीक है, शेप में करते हैं, इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स में भी कर सकते हैं। क्विक स्टाइल से आप इसके अंदर जो आपने टेक्स्ट लिया है उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ये सब अपन जो जो भी चीजें शेप में अप्लाई होती हैं वो सभी टेक्स्ट बॉक्स में भी अप्लाई हो जाती हैं, लेकिन जब आप इसको फर्स्ट टाइम लेते हो तो हमेशा ये नॉर्मली आता है। इसके बाद यहाँ पर अगले और भी ऑप्शन है, ये पोजिशन, रैप टेक्स्ट और ये फॉरवर्ड, ये सभी हमने आपको उसमें बता दिए हैं, तो आप ये करके देख लेना, नहीं आए तो फिर हम कल आपको डबल से बता देंगे, लेकिन सभी ऑप्शन पिक्चर वाले हैं। पहला बॉक्स कोई सा भी हो, किसी भी टाइप का, लेकिन दूसरा हमेशा टेक्स्ट बॉक्स ही होना चाहिए। मतलब जिसको आप लिंक कर रहे हो वो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जिससे लिंक कर रहे हो वो सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स ही होता है, टेक्स्ट बॉक्स ही लिंक होता है, आप और किसी अदर को लिंक नहीं कर सकते। हाँ, टेक्स्ट बॉक्स ही होता है, ठीक है। अगर आप और कोई सा करोगे तो इस तरह से पहले वो एरर दे रहा था, इस तरह से वो एरर देगा, ठीक है। बाकी सब ऑप्शन जैसे पिक्चर में थे वैसे ही है, जैसे कि आपके पास दो शेप या दो पिक्चर हैं तो उसके लिए अप्लाई होता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे का जो है कल बताएंगे आप। अभी इतने लोगों से पूछना है।